दोस्तों ये डिजिटल सेलिनिटी मीटर है और मार्केट में जितने भी सेलिनिटी मीटर अवेलेबल हैं उनमें ये सबसे सस्ता है, तो और सबसे आसान है इसमें चेक करना। आपको काफ़ी सेलिनिटी मीटर के वीडियो आजकल मिल रहे होंगे, लेकिन वो मीटर हर आदमी के बस का नहीं है चेक करना, प्लस उसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। कम से कम आपका 10 से 15 मिनट उसमें चेक करने में ही ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग वैसे तो TDS ही चेक करते हैं लोग, लेकिन सेलिनिटी भी देखनी ज़रूरी होती है। TDS का मतलब तो ये होगा टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी जितने आपके टैंक में सॉलिड घुले हुए हैं उनकी मात्रा को वो दिखाता है। आपके टैंक में साल्ट कितना है इसको वो नहीं दिखाता है। तो उसको चेक करने के लिए सेलिनिटी मीटर आता है। तो ये वो मीटर है जो हमने अमेजन से मंगाया था, काफ़ी दिन हो गया मंगाए हुए, बीच में वीडियो हमने बनाना छोड़ दिया था, तो इसलिए हम इसके बारे में आपको बता नहीं पाए, टाइम नहीं निकल पा रहा था। देखिए चारों तरफ से स्मार्ट सेंसर डिजिटल मीटर है ये, और इसमें किसी तरह का आपको सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और इसको कैलिब्रेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक कैलिब्रेटर आता है, सिर्फ आप इसको बटन दबाइए और ये ऑन हो जाता है। देखिए अब हम आपको इससे चेक करके दिखाते हैं कि इससे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके सामने हम 5-10 ग्राम नमक घोलते हैं 2 लीटर पानी में और फिर इसको टेस्ट करते हैं ये कैसे बताता है। देखिए धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा ये, तो देखिए ये 10 ग्राम नमक है, तो ये 10 ग्राम नमक को हम 2 लीटर पानी में घोलेंगे और फिर इसको टेस्ट करते हैं कि कितने PPT बताता है। दोस्तों इसकी रीडिंग PPT में आती है क्योंकि नमक हमें लगभग 2 PPT रखना पड़ता है अपने टैंक में। इस बाल्टी में 2 लीटर पानी हमने ले रखा है और इसमें हमने नमक डाल दिया और इसको हम घोल रहे हैं और घोल करके आपको दिखाते हैं चेक करके कि कितने PPT नमक इसमें हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब तक ये नमक घुल रहा है तब तक के लिए वीडियो मैं पॉज कर रहा हूँ। देखिए ये नमक अब घुल चुका है और हम एक इसको मग्गे में ले रहे हैं कि ढंग से आपको दिख सके कि कितने PPT ये बता रहा है। देखिए इसमें किसी कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ये देखिए रीडिंग इसकी 9.33 PPT, ये PPT है दोस्तों। PPT का मतलब होता है पार्ट पर 1000, इसको PPM मत समझिएगा। और इस मीटर की एक और खासियत है कि साथ टेम्परेचर भी बताता है। देखिए पानी का टेम्परेचर ये बता रहा है 29.2 डिग्री सेल्सियस, तो इससे आपका डबल काम हो सकता है, आपका सेलिनिटी भी चेक हो जाएगा और आपका टेम्परेचर भी चेक हो जाएगा। आपको अलग से टेम्परेचर मीटर की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोग जो वो रेफ्रेक्टोमीटर टाइप के देखे होंगे वीडियो आपने, तो वो मुझे तो ख़ास तौर से पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बूंदे डालो, 5 बूंदे इस तरह से बंद करो, उस तरीके से करो, काफ़ी सारा झंझट वाला काम। इसमें सीधा टैंक में डुबाओ आप, आपको उसकी सेलिनिटी तुरंत सेकेंडों में पता चल जाती है। तो दोस्तों इसका हम लिंक डाल देंगे क्योंकि आप लोग बेचैन हो जाते हैं अगर लिंक नहीं डालते। अब हम सारी चीज़ों का जो दिखाएंगे उनका लिंक भी डाल दिया करेंगे जो कि आसानी से आप उसको ख़रीद सकें। दोस्तों अब आपको हम एक अपने पंगास के टैंक का पानी का TDS चेक करके दिखाते हैं कि उसका सेलिनिटी कितना है। वैसे 1 से ऊपर ही रखना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं इसका कितना है। ये हमारे पंगास के टैंक का पानी है, 1.05 सेलिनिटी है, इसका मतलब ये PPT में है 1.06 PPT। और टैंक का टेम्परेचर देख रहे हैं आप 29.1 डिग्री सेल्सियस,
तो टेम्परेचर भी ठीक है और सैलिनिटी भी ठीक है, अब 1.07 हो गया। तो इस तरह डिजिटल मीटर थोड़ा सा बदलते रहते हैं, एक आध पॉइंट इधर उधर वो अपने आप बताते रहते हैं। ये हमारे पंगास के टैंक का पानी है जिसमें आपको शायद फ्लोक भी दिख रहा हो, लेकिन तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप अमेजन से ख़रीद सकते हैं। 2000 से कुछ ऊपर इसकी प्राइस है, लेकिन इसके फंक्शन को देखते हुए ये प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।